अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस नमाज को ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए और किस नमाज को आहिस्ता आवाज में पढ़ना चाहिए। सुबह की नमाज को ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए, जोहर और असर की नमाज को आहिस्ता आवाज में पढ़ना चाहिए, मगरिब और इशा की नमाज को ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए। और याद रहे कि उन पांच वक्त की नमाजों की सुन्नतें अब जिस तरह चाहें अब पढ़ सकते हैं।